एक कहावत है ना, सैया भयल कोतवाल तो अब डर काहे का। इस कहावत को धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं देवघर जिले के सुनराय ठाड़ी प्रखंड के खजूरिया पंचायत के मुख्यापति मुख्यापति कुटिल अंसारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरखावा हैं, तो पारा शिक्षक पर स्कूल में प्रतिदिन हाजिरी बनाने के बाद गायब हो जाते हैं। बता दें कि इस स्कूल में मात्र दो ही शिक्षक पदस्थापित हैं। कहे आज बहुत कौन हो दिना कौन ना एक टी आवे छट चला जाए नहीं है उन्होंने बच्चे को पढ़ाते हुए देखे हैं कुटिल को आते हैं कभी कभी आते हैं अटेंडेंस आज बना है उनका ये तो नहीं बना सके ये चले गए वहाँ साइकिल बिक्री हो रहा था फोन कर रहा था तो चले गए नहीं सर कभी कभी आती है और चले गए बच्चा को कभी नहीं पढ़ाती नहीं कभी नहीं हमको पता नहीं है लेकिन कभी पहला से नहीं सिक्स से एट तक और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीनदयाल हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं उनका रुख करेंगे। देखिए दीनदयाल अगर हम बात करें तो बच्चे भविष्य कहे जाते हैं लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो उन्हें वो शिक्षा देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं क्योंकि पारा शिक्षक जो मुख्यापति हैं वो स्कूल में अटेंडेंस तो बनाते हैं लेकिन स्कूल में नजर नहीं आते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? चूंकि ग्रामीण लगातार शिकायत उनका करते रहे हैं जाकर पदाधिकारियों से या ग्रामीण स्तर पर भी उनको बोला जाता है लेकिन वो वहां के मुखिया हैं और दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो अटेंडेंस करते हैं लगाते हैं स्कूल में जाकर सुबह और विद्यालय से अटेंडेंस लगा करके फिर निकल जाते हैं अपने पंचायत के काम में मशगूल रहते हैं। इस तरह का कई बार लोगों ने शिकायत किया लेकिन इस पर पदाधिकारियों के तरफ से या विभाग के तरफ से कभी कुछ कार्रवाई नहीं होता है जिसकी वजह से वहां के जो अभिभावक हैं या बच्चे हैं वो काफी चिंतित हैं। अभिभावक भी चिंतित है क्योंकि बच्चे को भेजते हैं विद्यालय में अगर बच्चों को वहां पर शिक्षा ही ना मिले और वहां टीचर ना रहे विद्यालय में तो निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जी दीनदयाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खुद बता दें आपको कि मुख्यापति जो पारा शिक्षक भी है उनकी मनमानी इस कदर है कि स्कूल में अटेंडेंस तो बनाते हैं लेकिन स्कूल में वो नजर नहीं आते हैं और बच्चे भी परेशान नजर आते हैं क्योंकि स्कूल में दो ही शिक्षक है और उसमें से मान लीजिए एक शिक्षक गायब हो जाएंगे तो बच्चों को भारी परेशानी होगी कि बच्चों की जो वहाँ पे अटेंडेंस है बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक वहाँ पे कम है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यापति की जो शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।